हेलो फ्रेंड्स, आराध्या गार्डन टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके सामने ये लक्ष्मी कमल। वैसे मेरी लक्ष्मी कमल की वीडियो काफ़ी डाल रखी है, दो वीडियो मेरे पास है लक्ष्मी कमल की जो मैंने पहले डाल रखी है। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो और विज़िट कर सकते हो। तो इस तरह से हैं, आज है मार्च 21, 2023, तो उसका ये रिज़ल्ट है आज ये। तो बरसात में मेरा ये पूरा प्लांट ख़राब हो गया था और मुझे लग रहा था कि शायद मैं इसे नहीं बचा पाऊँगी। मैंने फंगीसाइड का इसका स्प्रे किया और मैंने इसको काफ़ी अच्छे से केयर किया। मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा जहाँ पर ये ग्रोथ कर जाए और आज देखिए ये कितना हरा भरा हो गया है। मुझे लग नहीं रहा था कि ये हो पाएगा क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था, ये पूरा मेरा प्लांट ख़राब हो गया था बरसात में और मैंने बहुत ही मुश्किल से इसे बचाया। और आज मुझे इसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने अपने इस प्लांट को बचा लिया। तो अभी मैंने इसको टप में लगाया हुआ है, आप देख ही रहे होंगे, और ये बहुत ही अच्छे से फैला हुआ है। और मैंने चार प्लांट को तो इसमें से अलग कर दिया है, आगे भी मैं करूँगी क्योंकि फैलने के लिए इसे जगह नहीं मिलेगी। जब ये बेबीज़ निकालेगा अपने, तो ये साइडों साइडों से अपने बेबीज़ निकालता है और जिस तरह से साइडों साइडों से अपने बेबीज़ निकालता है ना, तो इसे जगह कम पड़ जाती है क्योंकि इसकी जो बेबीज़ हैं वो बिल्कुल साइड से निकलते हैं, ऊपर से नहीं निकलते हैं। ये एक जैसे वो ब्रांचेस निकालते हैं ट्री, तो इसी तरह से ब्रांचेस वो ऊपर की तरफ को निकालते हैं। ये अपने जो तना होता है ना, तने से साइड साइड में निकालता है। और जब ये बेबीज़ निकालने लगेगा, काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर ज़रूर करूँगी, इसकी पूरी जर्नी शेयर करूँगी। इसी तरह से मैंने और जगह पर भी लगाया हुआ है ये प्लांट, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और आप लोगों को पता ही है कि अभी बाहर भारत में काफ़ी हर जगह पे, मुझे लग रहा भारत के हर एक कोने में ही बरसात जैसा मौसम हो गया है बिल्कुल ही। और ओले पड़ने से ये मेरे पत्ते भी ख़राब हो गए बिगोनिया के। तो अभी मैं ट्रैक से थोड़ा सा बाहर ही चली गई हूँ। तो दोबारा से हम आते हैं अपने लक्ष्मी कमल की ओर। ये शेड के नीचे मैंने इसके रखा हुआ है ताकि मेरे प्लांट्स ख़राब ना हो। मैंने सकुलेंट्स ज़्यादातर ऐसे ही रखे हैं और ये खुले में है। दूसरी साइड में जो मैंने शेड में रखे हैं वो है मेरे सकुलेंट्स यहाँ पर। तो ये मेरा लक्ष्मी कमल भी मैंने ऐसे शेड में रखा हुआ है बहुत संभाल के। कहते हैं ना लोग कि हम अपने खजाने को छुपा के रखते हैं, तो इसी तरह से भी मैंने अपने सकुलेंट्स को काफ़ी छुपा के रखा हुआ है बारिश से। तो इसी छुपाने से ही मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सकुलेंट्स कामयाब हो रहे हैं और सकुलेंट्स काफ़ी अच्छा मेरे यहाँ पर रिज़ल्ट है। मुझे सकुलेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सारे ही प्लांट अच्छे लगते हैं, पर ये जो सकुलेंट्स होते हैं ना, ये मतलब बहुत ही कम केयर वाले प्लांट होते हैं। इनको समझना बड़ा ज़रूरी होता है, बस थोड़ा पानी का और धूप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये पूरा चलते हैं। पानी ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल कम पानी देने में भी चल पड़ते हैं ये, महीना डेढ़ महीना बिना पानी के ही सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने दो तीन जगह पे ये प्लांट मैंने यहीं से ही निकाल के साइड साइड में लगाए हैं। अब मैं एक ही प्लांट से, इन्हीं प्लांट से, जो आपको 10-12 प्लांट्स दिख रहे हैं ना, इसी से ही बहुत सारे बेबीज़ निकाल के ये बहुत सारे प्लांट्स में ये मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी। इतना सा जो प्लांट है ना, ये छोटा सा, ये 150, 200, 250, ये नर्सरी के ऊपर डिपेंड करता है कितने का देते हैं, पर ये 150 से कम कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको लक्ष्मी कमल। और ये बहुत रेयर प्लांट है, बड़ी बड़ी नर्सरियों में आपको मिलेगा, छोटी मोटी नर्सरी में ये नहीं मिलेगा ये लक्ष्मी कमल। तो ये काफ़ी कॉस्टली प्लांट है और जहाँ पे सकुलेंट्स वैरायटी होती है वहाँ मिलेगा। ये आम प्लांट नहीं है कि आपको हर कहीं मिल जाए। ये देखो छोटे छोटे बेबीज़ ये साइड से निकालता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो मैं अब इसी से ही बहुत सारे प्लांट्स मैं बना लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक अलग से यहीं से ही इसी टब से निकाल के मैंने अलग से एक इसको पॉट में लगा दिया है।
इसी तरह से मैंने ये अलग से एक और छोटा सा मेरे पास टब था, उसमें मैंने ये अलग अलग तरह के लक्ष्मी कमल लगाए, ये भी एक लक्ष्मी कमल की ही वैरायटी है ये लगाया है। तो इस तरह से मैंने लक्ष्मी कमल इधर भी लगाया है और ये दो लक्ष्मी कमल मेरे यहाँ पर भी, और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। अभी मैंने 2-3 दिन ही हुए हैं इसे लगाए हुए और काफ़ी अच्छे से देखो कितना ये फूल खिला हुआ सा है और ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर चुका है। तो इसी तरह से इसका बेबी यहाँ पे निकल रहा है, आप देख रहे होंगे इससे बेबीज निकालने लग गया था, इसी वजह से मैंने इसको साइड कर दिया ताकि इसको स्पेस मिले, बेबी निकालने के लिए इसे यहाँ पर स्पेस मिले, और जैसे इसकी बेबीज बाहर निकलेंगे वैसे ही जड़े पकड़ लेंगे, उसको मैं और जगह पर रिप्लेस कर दूँगी। इसी तरह से यहाँ पर भी निकाल रहा है, वहाँ पे छोटे टब में बहुत ज़्यादा प्लांट एक साइड से हो रहे थे, खिचड़ी पक गई थी, इसी वजह से मैंने इसको अलग अलग कर दिया है ताकि इसमें इसको मतलब स्पेस मिले, ग्रोथ होने के लिए इसको स्पेस मिले, इसी वजह से मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अभी मैं उसमें से और सेपरेट करूँगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नए नए प्लांट्स के साथ, और इसका अपडेट लक्ष्मी कमल का मैं अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। अगर आप लोगों ने ये प्लांट नहीं लिया है तो आप इसको ले सकते हो, घर में आपके लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएगी। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।